बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला के करम और शुक्र के साथ मैं आपके लिए ये बर्गर की नई रेसिपी लाई हूँ, जो कि घर पर बनाना बड़ा ही आसान है। जिसके लिए हमें जो चंद चीज़ें चाहिए वो है मायनीज, जड़ा मिर्च और चौकी हुई प्याज है एक अदद, 7-4 चम्मच केचप के हैं। शामी कबाब हमने पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं। सलाद के लिए हमने थोड़ी सी प्याज काट के रखी है, 7 टमाटर हैं, खीरा और बंद गोभी है। चले सबसे पहले हम सॉस तैयार करेंगे। एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करें, उसके बाद चॉप की हुई प्याज डालेंगे। इसमें अब जड़ा मिर्च की 1 चम्मच डालेंगे। इसको 1 मिनट पकाएं। ये हमारी प्याज तैयार होने वाली है। ये भी सॉस में डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा पकाना, ओरिगानो डाली थोड़ी सी। प्याज जो हमने तैयार की थी अब हम मायनीज के साथ शामिल करेंगे और साथ केचप डालेंगे 4 चम्मच। ये सॉस तैयार होने वाली है। केचप तकरीबन दोनों पे लग चुकी है, फिलिंग करेंगे थोड़ी सी प्याज, टमाटर और खीरा डाल के शामी कबाब रख देंगे। अब हमने शामी कबाब रख दिए ऊपर, ये थोड़ी सी बंद गोभी ऊपर लगाएंगे। ये थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे ऊपर हम रख के दूसरे पीस, थोड़ी सी सॉस लगाएंगे। अब सॉस जो हमने पहले तैयार की थी ये वही सॉस है जो हम लगा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बर्गर का जायका भी इसी के साथ आता है। अब हम ब्रेड का ऊपर वाला हिस्सा लगाएंगे। अब हम ब्रेड के ऊपर वाले हिस्से पे भी सॉस लगाएंगे। ये हमने लगा के ऊपर रख दिया। ये हमने इसलिए लगाया कि ये खाने में अच्छा लगे। ये हम दूसरे पीस पे भी ऐसे ही लगाएंगे सॉस। ये इस पर भी लगा के ऊपर रख दिए। ये तकरीबन बर्गर तैयार हो गया। हम भी खाएंगे, आप भी बना के खाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।